हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को लेके चल रही हूँ आसाम की एक सब्ज़ी मंडी में और दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितने इंटरेस्टिंग वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ की सब्ज़ी मंडी में आपको मिलेंगी, वो सारी चीज़ें। तो आज हम आए हैं डिग बोई की ODA मार्केट। यहाँ की सब्ज़ी मंडी भी दिखाएंगे, साथ में ये मार्केट भी दिखाऊंगी। नॉर्मली जैसे हमारी दिल्ली में मार्केट होती है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है, क्राउड होता है, ये मार्केट काफ़ी पीसफुल है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जो एक टाइम पे ब्रिटिश थे उनके द्वारा बसाई गई है, तो आपको देख के लुक एंड फील वो वाला आ रहा होगा। और काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब यहाँ पे शॉपिंग करने में बड़ी मज़ा आती है क्योंकि उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती यहाँ पे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो ये है सब्ज़ी मंडी, मार्केट के एक हिस्से में है, बाकी हिस्से में छोटी छोटी दुकानें हैं जो कि मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगी। दोस्तों, यहाँ की सब्जी मंडी में आपको मेनली खट्टे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की भरमार मिलेगी। जैसे कि ये कैसे खाया जाता है, दाल में खाते हैं, पता नहीं दाल खट्टे नहीं नहीं खोलो पूरा खोलो, ये दाल में पड़ता है, खट्टा होता है। ओके, बहुत खट्टा। दोस्तों, इस फ्रूट का नाम अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अंदर से इसके जो आपको छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं, जैसे भिंडी में अंदर बीज होते हैं वैसा था, लेकिन ये खाने में बहुत खट्टा था। और यहाँ के लोग इसका अचार और इसको दाल में डालते हैं। और यहाँ पे किसी भी खट्टी चीज़, चाहे जैसे कि ये नींबू, हर चीज़ को टेंगा बोलते हैं, मतलब एसमीज़ में उनकी खुद की भी भाषा होगी, जैसे नींबू को लेम्बू भी बोलते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सिर्फ वो टेंगा बोल रहे थे, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो बहुत सारे ऐसे आपको इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलेंगे जो खट्टे थे, बट मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता चला क्योंकि मुझे उनकी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, उनको मेरी नहीं समझ में आ रही थी। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे बहुत ही यूनिक वेजिटेबल्स देखने मिलती हैं, जैसे कि अभी आपने जो देखा था थोड़ी देर पहले, वो बनाना फ्लावर, केले के फूल, उसकी भी सब्ज़ी बनती है। यहाँ पे सब्ज़ी के किसी भी पार्ट को वेस्ट नहीं किया जाता, जैसे कि ये आप देख सकते हैं बीन्स के जो बीज होते हैं, जो सेम की फली के अंदर बीज होते हैं, ये है सेम, इसके अंदर के बीज भी अलग से बेचे जाते हैं। और यहाँ पे कद्दू के साथ साथ इसके डंठल और पत्ते का भी साग बनता है, जो कि ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, कुकिंग यूट्यूब चैनल पर सिखा चुकी हूँ। अगर आपको देखना है कि इसका, ये है कद्दू के डंठल और पत्ते, ये गुच्छे में बिकता है और इसका साग यहाँ पे चावल के साथ बहुत खाते हैं। और मैंने बनाया था, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट था। मुझे काश ये चीज़ पहले पता होती तो मैं पहले से ही ट्राई करती, क्योंकि हम लोग के गांव वगैरह में जब भी कद्दू का पेड़ लगाया जाता है तो मेनली हम लोग वेजिटेबल ही यूज़ करते, उसका प्लांट नहीं यूज़ करते, बट यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंगली उसका साग बनता है। ये देख सकते हैं मिर्ची की अलग अलग वेराइटी, जो ज़्यादा तीखी है वो अलग रखी है, जो थोड़ी सी लाइट ग्रीन है वो कम तीखी है। यहाँ पे वर्ल्ड की हॉटेस्ट चिली भूत जलकिया भी अभी मैं आपको दिखा दूंगी, जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च होती है, वो भी मिलती है। जैसे एसमीज स्पाइसी खाते हैं, तो यहाँ पे मिर्ची की आपको अलग अलग वैरायटी देखने मिलेगी। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वेजिटेबल्स लग रही थी। यहाँ की जो मूली होती है वो रेड कलर की होती है और लौकी काफ़ी बड़े साइज की होती है। ये क्या है भैया? सांता टेंगा बोलता है, वो टेंगा बोलता है, वो टेंगा खट्टा होता है, इसे चालता या फिर एलिफेंट एप्पल भी बोलते हैं। इसका यहाँ पे अचार और ये दाल में भी डाला जाता है, अचार मेनली बनता है। और ये है सुपाड़ी, इसे तांबूल बोलते हैं, मिट्टी के अंदर इसे रखा जाता है फिर बेचा जाता है। ये है मीठी दही, दही को जो रसगुल्ले की चाशनी होती है वो डाल के जमाते हैं, तो थोड़ी मीठी होती है यहाँ की दही। और आप ये देख सकते हैं इस प्रकार के ये कीड़े हैं, इन्हें भी खाया जाता है। यहाँ की मान्यता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, तो यहाँ की सब्ज़ी मंडी में मैंने वो भी देखा। ये वो फ्रूट है जो हमने इनिशियली ट्राई किया था, जो खट्टा था, जो जिसका नाम नहीं पता था। ये है दोस्तों भूत जलकिया, दुनिया की सबसे हॉटेस्ट चिली। ये सारे और कुछ यूनिक वेजिटेबल जो कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में ही खाए जाते हैं। देखने में कुछ कुछ वेजिटेबल फ्रूट ही लग रहे हैं, लेकिन वो वेजिटेबल्स ही हैं।
यहाँ पे सब्जियाँ थोड़ी सी महंगी थी क्योंकि थोड़ा हिली एरिया है, तो सब्जियाँ उतने मतलब सब्जियों की फार्मिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस हिसाब से थोड़ी महंगी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सारी की सारी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक हैं, तो इन सब्जियों का टेस्ट ही एकदम अलग होता है। और यहाँ से ये है फ़िश एंड मीट मार्केट, जिसमें मैं आगे नहीं गई, वापस से चलते हैं और मैं आपको बाकी की मार्केट दिखाती हूँ। इस मार्केट में आके मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, तो मुझे ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा लगता है। एक चीज़ और बताना था मुझे दोस्तों, यहाँ की जो अदरक होती है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। चाय तो मैंने आपको पहले ही बता दी, चाय का भी टेस्ट एकदम डिफरेंट था, साथ में जो अदरक होती बहुत ही रिफ्रेशिंग होती, एकदम अलग फ्लेवर होता है। तो इसी वजह से यहाँ की जो अल्टीमेटली चाय बनती है अदरक वाली, वो भी एंटायरली डिफरेंट टेस्ट की होती है, क्योंकि चाय पत्ती और अदरक दोनों ही एकदम उम्दा क्वालिटी वाला टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको कुछ बर्तन की शॉप्स और नॉर्मली ऑलमोस्ट हर चीज़ की शॉप मिल जाएगी, कपड़े की, जूते की, और ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो बनावट है एकदम ब्रिटिश काल में लोगों ने जैसे बनाया था, एकदम उस टाइम की फील दे रहा है। और कितना छोटा शहर है, अभी एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ। जो भैया मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट से, वो भी मिलेंगे, उनकी शॉप भी मैं दिखाती हूँ आपको, इमदाद भैया की। ये है भैया की दुकान जो मुझे लेके आए थे यहाँ पे, अंडे की उनकी छोटी सी शॉप है। दोस्तों आसाम जितना ज़्यादा सुंदर है, यहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे हैं। हर किसी से जो आपको जानता भी ना हो, अगर आई कांटेक्ट भी होता है, तो उनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल ज़रूर होती है। बड़े शहरों में तो लोगों को मतलब ही नहीं होता है, भले ही वो एक साथ बगल वाला ही फ्लैट हो तो भी लोग नहीं जानते एक दूसरे को। बट ये इतना प्यारा शहर है, लोग भी इतने अच्छे हैं कि मतलब लगता ही नहीं है कि हम उनको नहीं जानते। अब हम चल रहे हैं वापस घर की ओर, और ये रास्ते का भी मैं आपको दिखाते चल रही हूँ। ये है IOCL का प्लांट, अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। आप देख सकते कितनी ज़्यादा हरियाली है, सबसे पहले ऑयल की रिफाइनरी यहीं पे मिली थी। और ये हम आ चुके हैं वापस घर, और ये देखिए कौन वेट कर रहा है हमारा। हाँ, एक्सरसाइज सुबह सुबह, ये यहीं पे रहते हैं और इनका नाम है कार्तूस। दोस्तों आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसी तरीके के ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। तो अभी आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, आपको कल मैं लेके चलती हूँ एक और नई जगह पे। सबको बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो।